मेरा नाम जिग्नेश शाह है, मैं बॉम्बे से आया हूँ। मेरे लड़के का नाम जयवीर है और उसको अलरिच मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, अलरिच कॉन्जेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। थोड़े से फिर उसके ऊपर नेट से स्टडी रिसर्च करना चालू किया कि क्या बीमारी है, इसके क्या सिम्टम्स है। थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूस अभी भी है चालू, जैसे जैसे है तो जैसा मालूम पड़ा कि ये लाइलाज बीमारी है तो थोड़े से निराश हो गए। लेकिन वाइफ ने जरा भी वो नहीं किया, वो बिल्कुल निराश नहीं थी, वो एकदम स्ट्रांग हो गई कि ये लाइलाज बीमारी को हम लड़ेंगे और उसको ऐसे लड़ेंगे कि उसको बच्चे के अंदर वो फीलिंग ही नहीं आने देंगे कि ये लाइलाज बीमारी में मैं उस किसी से कम हूँ। हम कंटिन्यूस उसके पीछे है, उसको कंटिन्यूस सपोर्ट करते हैं कि तुम में जो बीमारी है, बच्चे के माइंड में ये फीड कर दिया कि भले तुमको ये लाइलाज बीमारी है लेकिन तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें कंटिन्यूस इसके पीछे खेलना है, करना है। आपको हार नहीं माननी, आपको कभी भी खुद को दूसरों से कम नहीं समझना है। प्रोसेस इसका बहुत अच्छा है, एक और पॉजिटिव फीलिंग आ गई। पहले तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है मालूम तो है कि ये लाइलाज बीमारी है, तो अभी और भी हिम्मत आ रही है। और जो पेशेंट्स हैं जिनको नहीं मालूम है IMD के बारे में या जो नहीं आए अभी तक, उनको भी यहाँ पे भेजना है। और हम तो साल में 2 बार आने की सोच ही रहे, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हम आते रहेंगे यहाँ पे। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है पॉजिटिव, वो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो पेशेंट्स के जो बच्चे हैं उनके पीछे जो ध्यान दिया जाता है, जो उनको एक्सरसाइज करवाई जाती है, और एकदम जो फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, बोलेंगे यहाँ का जो ऑरा है जो पॉजिटिव अपने अंदर, और एक अच्छी हमें एक और पॉजिटिव एनर्जी लेके जा रहे हैं यहाँ से। क्योंकि एक हर एक जगह का एक ऑरा होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। मानव मंदिर में इतना पॉजिटिव ऑरा है कि यहाँ पे बार बार आने का मन होता है, यहाँ पे और ज़्यादा दिन रुकने का मन होता है। तो बच्चे को तो फ़ायदा होगा ही होगा, साथ में हमारे अंदर भी उसके साथ ये जो लड़त है, लड़ने की और ताकत आती है, और लोगों को भी यहाँ ऐड करना है। ये जो बीमारी के लड़ने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, एक तो कि भाई ये बच्चे सब किसी से कम नहीं है, सिर्फ इनको एक मौका दो, ये नॉर्मल ही है, सिर्फ इनको फिजिकली जो है चैलेंज है, क्योंकि इनकी बीमारी ऐसी है कि जो ये बढ़ती जाएगी या जैसा इलाज आगे आएगा तो वो तो फ्यूचर नियर फ्यूचर है, वो तो अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन इन बच्चों को वो ताकत आए कि वो आगे ज़माने के साथ लड़ सके और अपना स्टैंड रख सके।